बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मलाई चिकन बनाएंगे विद बारबेक्यू फ्लेवर। उसके लिए हमने चिकन ले लिया है और प्याज एक ले लिए है, उसको पीस कर लिए हैं। इसके बाद हमने मसाले ले लिए हैं, अदरक लहसुन नमक मिर्च हल्दी और चिली पाउडर, और उसमें गरम मसाला भी डाल दिया है और उनके ऊपर पानी डाल के थोड़ा सा उनको एक मसाला सा बना लिया है ताकि प्याज में वो बर्न ना हो। इसके बाद हमने प्याज को ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद हमने मसाला साला डाल दिया है। अभी मसाला हम भूनेंगे, जब तेल मसाले से अलहदा हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। अभी चिकन हमने डाल दिया है, उससे पहले मैंने टोमेटो पेस्ट भी डाल दिया था मसाले में। मसाला थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया था, टेस्ट अच्छा रहता है। अभी जब इसकी बन जाएगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 10 मिनट लगते हैं इसमें। अभी इसमें क्रीम डाल दी है क्योंकि चिकन रेशमी चिकन है, इसमें क्रीम डाल दी है। लेकिन मेक श्योर करो कि क्रीम जब डालो तो स्लो आग पे इसको कुक करो, वरना फट जाएगी। तो अभी इसके बाद अभी हम इसको बारबेक्यू फ्लेवर देंगे। हमने कोला ले लिया, उसको गर्म कर लिया और एल्युमिनियम फॉइल में डाल के चिकन के दरमियान में रख दिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया फ्लेवर के लिए। अब कवर कर देंगे लाइक 3 मिनट के लिए, तो पूरी चिकन में फ्लेवर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।